स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के आपके हिंदी का जो गद्य खंड का 6 लेसन है, इस लेसन का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसकी राइटर भगत सिंह है। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एक लेख और एक पत्र, तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह है वो अपने मित्र जो सुखदेव को पत्र लिखे हैं, इसी के संदर्भ में उन्होंने इसका नाम रखा है एक लेख और एक पत्र। आप लोग सभी स्टूडेंट चाहे सभी लोग जानते होंगे कि भगत सिंह कौन है। भगत सिंह एक हमारे देश का एक क्रांतिकारी नेता और देशभक्त, महान देशभक्त है। उनके जहन में और दिल में अपने देश को स्वतंत्रता कराने का एक जुनून था। इसी के कारण तो उनका जन्म 1907 में हुआ और बहुत ही अल्प समय में उनकी मृत्यु, यानी 24 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु 1931 में हो गई थी। वे मात्र 24 वर्ष के, और वे जब 12 वर्ष के थे तभी से वे अपने क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे, यानी देश के स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगे थे 12 वर्ष की उम्र में ही। जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तब उन्होंने अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि अपने देश के बारे में सोचा और क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ा। देखिए, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भगत सिंह है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, यानी भगत सिंह के पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह, तथा उनके चाचा जी अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। यानी भगत सिंह के पिताजी और उनके चाचा जी किसके सहयोगी थे, किसके साथ कार्य करते थे, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी लाला लाजपत राय के साथ सहयोगी थे या कार्य करते थे, उनके सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लाला लाजपत राय। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। भगत सिंह मतलब अपने नेतृत्व में, यानी जब वे काम कर रहे थे तब उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा, यह एक प्रकार का दल है, तो इसका गठन उन्होंने किस सन में किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन पंजाब में 1926 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1956। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जो कि वो भी एक क्रांतिकारी नेता थे, तो उनके साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष की उम्र में। जब भगत सिंह 12 वर्ष के हुए तभी से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 12 वर्ष की उम्र में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1921 ईस्वी में। मतलब देखिए, जब स्वतंत्रता का होश चल रहा था, यानी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो हमारे तो देश में बहुत से देशभक्त थे, बहुत से क्रांतिकारी थे, तो उसमें दो दल बट गया, एक गर्म दल और एक नरम दल, जिसमें नरम दल से आप जानते हैं महात्मा गांधी में अहिंसा और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ये सभी थे, ये नरम दल के थे। मतलब ये लोग मारकाट भी पसंद करते थे, अगर
चतुर्थी कामना चले। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा 1921। इसलिए तो भगत सिंह 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी समूह भंग यानी उनके ग्रुप से हट गए। अब से फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर अट्रैक्ट हुए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गदर पार्टी की ओर, जो कि 1916 में चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गदर पार्टी की ओर, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न है, चौरा चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1922 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। जो आपके ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा निबंध है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवेश, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। परिवेश ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, परिवेश। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से वे जुड़े थे भगत सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उप प्रताप एक पत्रिका था जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला गया था, उससे भगत सिंह जुड़े। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रताप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह के हृदय में प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्महत्या करना भगत सिंह घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, यानी आत्महत्या करना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आत्महत्या। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नौजवान भारत सभा का गठन किया था 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नौजवान भारत सभा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह को अपने लिए सजा देने के संबंध में उन्हें क्या विश्वास था कि उन्हें कौन सा सजा देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत्यु दंड का। अब जानते हैं कि भगत सिंह को मृत्यु दंड दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दंड का। फिर अगला प्रश्न है, प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह अर्थशास्त्र का विद्वान था। प्रिंस क्रोमोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अर्थशास्त्र का विद्वान था। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वो जो फांसी देने वाला जज का नाम जेसी हिल्टन था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इनके साथ और भी दो थे। फिर अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भगत सिंह रचनाकार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चौरा चोरी कांड कब हुआ। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, 1922 इसमें चौरा चोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। प्रताप जो कि पत्रिका है इसके संस्थापक संपादक कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म ललितपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। यह लिखा हुआ है विद्यार्थी और राजनीति, भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका एक है, वह कहाँ से निकलती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कलकत्ता से निकलती थी, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। कलकत्ता से निकलती थी मतवाला पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्ल मार्क्स। फिर अगला प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भगत सिंह। फिर अगला प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? भगत सिंह की शहादत यानी मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 23 मार्च 1931 को। फिर अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुखदेव को उन्होंने पत्र लिखा था, भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भाई थे। फिर अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप पत्र का संपादन करते थे, जिससे भगत सिंह जुड़े थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रताप पत्र। फिर अगला प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है, आपका अंतिम प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 8 अप्रैल 1929। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका इतना प्रश्न रहा, आपके 6 लेसन यानी एक पद और लेख का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सभी आपका पूरा हो गया। तो आप लोग इन सभी को याद कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।